तो उधर आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में आपको बताएं अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी भी मौजूद रहे। इस दौरान योजना से जुड़े लोगों से उनके अनुभवों की भी जानकारी ली गई। वहीं बेहतर इलाज करने वाले अस्पतालों को सम्मानित किया गया। सीएम ने अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए, 7 दिन के भीतर सभी का भुगतान पूरा कर दिया जाए, ये बात भी निकल के सामने आई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें वहन किया है और अभी हमने कहा है कि इस योजना में जो चीज़ें छूट गई हैं उनमें उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अपडेट है देहरादून से, जहां शक्तिमान मामले में मंत्री गणेश जोशी को क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया है। आपको बताएं 14 मार्च 2016 को हंगामा हुआ था। हंगामे में शक्तिमान घोड़े के पैर में चोट आई थी, इलाज के दौरान इस घोड़े की मौत हो गई थी और इस मामले पर अब कोर्ट की ओर से मंत्री गणेश जोशी को राहत मिली है। कोर्ट की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिली है। तो ये बड़ी अपडेट देहरादून से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस स्टैंड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है और इसी के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा अगर 1 हफ्ते में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर मिल रही है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का उत्तराखंड दौरा होना है। कल यानी 24 सितंबर को वो देहरादून आ रहे हैं। देहरादून में भाजपा प्रदेश मीडिया कार्यशाला में वो शिरकत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 12 किलोमीटर मार्ग पर लग रहे मोबाइल टावर कार्य प्रगति की वो समीक्षा भी करेंगे। तो कल देहरादून कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं अनिल बलूनी। और उधर जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल परिसर का 7 अक्टूबर को उद्घाटन होना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टर्मिनल का निरीक्षण भी कर लिया है। टर्मिनल परिसर में बनने से एयरपोर्ट पर जो कैपेसिटी है यात्रियों की वो 10 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आने वाले वक्त में जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट की संख्या भी बढ़कर 30 हो जाएगी। आज ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये बड़ा यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है जिसमें यात्री आएंगे और इसमें जाएंगे भी, तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। क्या कैपेसिटी है इसकी? 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी।